इस तरीके का लोकेशन आप लोगों को मिल जा रहा है दोस्तों इस प्रॉपर्टी में। काफ़ी मेगा बालकनीज आप लोगों को इस प्रॉपर्टी में ऑफर की जाती है, अ ह्यूज बालकनी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी डिमांडिंग लोकेशन है, डोंबिवली ईस्ट अपोजिट निलजे रेलवे स्टेशन, बिल्कुल रास्ते के चौराहे पे ये बिल्डिंग है, कॉर्नर टच बिल्डिंग है, काफ़ी प्रीमियम लोकेशन आप लोगों को ऑफर करती है। अपोजिट निलजे रेलवे स्टेशन डोंबिवली ईस्ट बेहतरीन लोकेशन है दोस्तों। इस तरीके की लोकेशन में आज आपके लिए मैं काफ़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग अभी मॉडल देख लेते हैं और समझ लेते हैं किस तरीके की बिल्डिंग होने वाली है। ये बिल्डिंग का मॉडल आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी चार रास्ते पे कॉर्नर टच यह बिल्डिंग आप लोगों को मिल जा रही है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल कॉर्नर को लग के ये बिल्डिंग है। अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को निलजे रेलवे स्टेशन मिल जा रहा है। मेन ट्रैक, मेन रास्ते को लगकर यह बिल्डिंग आप लोगों को मिल जा रही है। देख पा रहे हो आप, बिल्कुल रोड टच ये बिल्डिंग आप लोगों को मिलने वाली है। क्लब फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, कई सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। देख पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल रोड टच कॉर्नर पे ये बिल्डिंग आप लोगों को मिल जा रही है। पार्किंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप लोगों को दी जा रही है, गार्डन फैसिलिटीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी जा रही है। काफ़ी अच्छा स्पेस बिल्डिंग के आसपास आप लोगों को मिल जा रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे। सबसे बड़ा हाइलाइटेड ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लोकेशन पे आप लोगों को ऑफर की जा रही है। बिल्कुल रास्ते के कॉर्नर पे ये बिल्डिंग मिल जा रही है। अपोजिट में निलजे स्टेशन मिल जा रहा है, नीचे शॉपिंग सेंटर्स है, शॉप्स है, थर्ड फ्लोर से रेजिडेंशियल एरिया है दोस्तों। इस बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा टावर आप लोगों को इस बिल्डिंग में ऑफर किया जाता है। सो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत प्राइम लोकेशन है, हाईली डिमांडिंग लोकेशन है। पार्किंग फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध करा दी जा चुकी है। इस तरीके का यह मॉडल है, तो देखिए आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आप लोगों की बिल्डिंग होने वाली है और इस तरीके के रास्ते होने वाले, क्लब फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, गार्डन्स। सो देखिए, सो दोस्तों अभी देखते बिल्डिंग के आसपास की लोकेशन। इस तरीके का बिल्डिंग का अब तक काम चल रहा है, रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है दोस्तों, विष्णु बिल्डर बिल्डवेल। सो दोस्तों ये बिल्डिंग है ओम मित्र आइकॉन। जी हाँ दोस्तों, ओम मित्र आइकॉन बिल्डिंग है एट डोंबिवली ईस्ट। सो यहाँ पे दोस्तों 1 BHK के काफ़ी सारे वेरिएंट है, 2 BHK के भी काफ़ी सारे वेरिएंट है। सो मिनिमम स्टार्टिंग है दोस्तों यहाँ पे 36 लाख 1 BHK, और 2 BHK की स्टार्टिंग है मिनिमम 50 लाख। सो लग्जरियस अपार्टमेंट है दोस्तों, काफ़ी अच्छी लोकेशन आप लोगों को मिल जाती है, डोंबिवली ईस्ट अपोजिट बाय निलजे रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, निलजे रेलवे स्टेशन हम कह सकते हैं कि 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं होगा, बिल्कुल अपोजिट में ही है। तो इस तरीके की कुछ बिल्डिंग है, इस तरीके के काम अब तक अब कंप्लीट हो चुका है। तो यही सर्कल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इन फ्यूचर में कुछ एक विद इन 1 ईयर एक मेन ट्रैक यहाँ से निकल जाएगा। इसी के अपोजिट में आप देख सकते हो, बिल्डिंग के अपोजिट में ये सामने आप लोगों को निलजे रेलवे स्टेशन दिख रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को भी फिलहाल शटल सर्विस मिल जा रही है। सो इन फ्यूचर यहाँ से आप लोगों को नवी मुंबई, मुंबई, दीवा, पनवेल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। सो देखिए ये आपकी बिल्डिंग है दोस्तों। सो बिल्डिंग का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, निलजे रेलवे स्टेशन मिल जा रहा है दोस्तों आपको, जो करंट में वर्किंग रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप दीवा, वाशी, पनवेल, नवी मुंबई, मुंबई एक्सेस कर सकते हो। शटल फैसिलिटी अभी यहाँ पे स्टार्ट है, इन फ्यूचर में पैसेंजर्स लोकल भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है आप लोगों को इस बिल्डिंग का। सो अभी हम बिल्डिंग में एंट्री करते, ये हमारा पैसेज सेक्शन हो गया। देखिए काफ़ी प्रेशियस पैसेज सेक्शन आप लोगों को ऑफर किया जाता है, बहुत अच्छे तौर पे यहाँ पे आप लोगों को मार्बल लगा के दिए हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी का काम यहाँ पे बिल्डर का आप लोगों को मिल जा रहा है। विष्णु बिल्डर बिल्डवेयर, इनका मैत्री आइकॉन ये प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं। सो इन लोगों के काफ़ी प्रोजेक्ट नवी मुंबई में डिलीवर करे हैं इन लोगों ने, उसी का ये पार्ट आप लोगों के लिए फिर से लेके आए अच्छी लोकेशन पे, जो अपोजिट निलजे रेलवे स्टेशन है। तो लॉबी देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी लॉबी मिल जा रही है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, हाइट भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आप लोगों को लॉबी में आपके।
दो लिफ्ट आप लोगों को यहाँ पे ऑफर की जाती है, बैठने के लिए सेक्शन दिया जाता है, ग्लास फिनिशिंग मिल जा रही है आप लोगों को यहाँ पे, काफ़ी अच्छा कॉरिडोर है दोस्तों। एक होगी पैसेंजर लिफ्ट और एक होगी आपका स्टोर लिफ्ट, तो इस हिसाब से काफ़ी बड़ा एक प्रीमियम सेक्शन का लॉबी यहाँ पे आप लोगों को ऑफर किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपने आप वीडियो से जज कर सकते हो कि काफ़ी अच्छे तौर पे ये लोग आप लोगों को काम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते प्रॉपर्टी की ओर। दोस्तों ये हो गया हमारा लॉबी सेक्शन। यहाँ पे आपको थर्ड फ्लोर से प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, दो लिफ्ट वाला सेक्शन, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। अब हमारी प्रॉपर्टी के बाहर भी हमें काफ़ी डिसेंट बड़ा स्पेस मिल जाता है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को एक मास्टर 2 BHK दिखाना चाह रहा हूँ। इस मास्टर 2 BHK में दोस्तों आप लोगों को करीब करीब 750 का एरिया मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 750 का एरिया मिल जाएगा आप लोगों को। इन प्रॉपर्टीज़ का सबसे बड़ा हाइलाइटेड स्पॉट है दोस्तों कि बालकनीज, काफ़ी बड़ी प्रीमियम लेवल की हाई क्वालिटी बालकनीज यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है, जो अनदर प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को नहीं मिलती है। ये प्रीमियम सेगमेंट का एक 2 BHK आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं। देखिए इस 2 BHK में आपको अराउंड 750 के करीब कारपेट मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 750 के करीब कारपेट एरिया, अब मेगा बालकनी सेक्शंस आप लोगों को इस प्रॉपर्टी में मिल जा रही है। देखिए काफ़ी बड़ी बालकनीज आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ में मिल जाती है, काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है, बड़े से पैसेज सेक्शंस मिल जाते हैं, ग्रेट लिविंग रूम मिल जाता है, ग्रेट मास्टर बेडरूम मिल जाता है, सुपर बाथरूम्स मिल जाते हैं, जहाँ पे कई फैसिलिटीज़ यहाँ पे उन लोगों ने दिया है, जैसे गीज़र हो गया, अच्छी क्वालिटी की प्लम्बिंग हो गई। आप अभी आपका मास्टर किचन देख लीजिए, मास्टर किचन आपको एल शेप में मिल जा रहा है यहाँ पे, स्मार्ट फ्रिज सेक्शन यहाँ पे आप लोगों को दिया जा रहा है। देखिए मास्टर बेडरूम में आप लोगों को मिलने वाला व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से व्यू आप इंजॉय कर सकते हो दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी से। अ वेरी नाइस व्यू दोस्तों, काफी अच्छा व्यू है। कॉर्नर पे ही ये बिल्डिंग मिल जाती है, कॉर्नर व्यू आप लोगों को इन प्रॉपर्टी से मिल जाता है। इस तरीके से स्मार्टली यह बिल्डिंग इन प्रॉपर्टीज को डिजाइन किया गया है कि आपको सारे डायरेक्शन प्रॉपर ईस्ट वेस्ट मिल जाए, सनराइज आपकी प्रॉपर्टी में आ जाए, सनलाइट आपकी प्रॉपर्टी में आ जाए, जिससे प्रॉपर्टी में अच्छी हवा खिली रहे, अच्छा लाइट कंडीशन रहे। प्रॉपर्टी का हाइलाइटेड स्पॉट मतलब इन प्रॉपर्टीज़ की बालकनी। तो मैं आपको इन बालकनीज इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इन बालकनीज से आप कुछ इस तरीके का ओपन व्यू इंजॉय कर सकते हो, जो आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिलाता है। लाइट कंडीशन बहुत अच्छी होती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है, और इस तरीके का अगर पूरी तरीके से ओपन व्यू मिल जाए, नीलगिरी रेलवे स्टेशन का व्यू मिल जाए, क्या कहने। इन फ्यूचर में ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल डेवलप हो जाएगा, यहाँ से मेन ट्रैक सामने की ओर निकल जाएगा और ये अपोजिट में आप नीलगिरी रेलवे स्टेशन देख सकते हो। देखिए ये काफ़ी डिमांडिंग स्पॉट होने वाला है दोस्तों इन फ्यूचर में। ये कॉर्नर टच बिल्डिंग आप लोगों को मिल जा रही है इस सर्कल से ही। देखिए ये रास्ता सीधा शील फाटा को कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, आगे पलाव में कनेक्ट हो जाता है, अपोजिट में नीलगिरी स्टेशन आप लोगों को मिल जा रहा है, और इस तरीके का पूरी तरीके से आप ओपन व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, तो सनलाइट डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी में आ रही है, वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। इस तरीके का मेन लोकेशन आप लोगों को मिल जा रहा है दोस्तों। इस तरीके की लोकेशन नहीं मिलती है ज़्यादा देर कस्टमर को मार्केट में। इस तरीके की प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो आपको अच्छी कॉर्नर लोकेशन मिल जाए, हाईली डिमांडिंग लोकेशन मिल जाए, आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिल जाए कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो इन फ्यूचर में, आगे कोई काम आने नहीं वाला, इस तरीके का व्यू मिलने वाला है। अभी हम आते हैं हमारी बालकनी। देखिए काफ़ी अच्छी बड़ी बालकनीज आप लोगों को इस प्रॉपर्टीज़ में मिल जाती है। देखिए प्रीमियम सेगमेंट का व्यू आप लोगों को इस प्रॉपर्टीज से मिल जा रहा है। एक आपको बालकनीज दिखाना चाहता हूँ, इस तरीके की मेगा बालकनीज आपको यहाँ पे मिल जाती है इन प्रॉपर्टीज में दोस्तों। देखिए काफ़ी बड़ी बालकनीज आप लोगों को यहाँ पे ऑफर की जा रही है।
आपको एक मैं वॉक अराउंड कराना चाहता हूँ कि देखिए कितने बड़े सेक्शंस बालकनी में दिए जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है दोस्तों। आप इस स्पेस को आपके तरीके से यूज़ कर सकते हो और ये व्यू आपका दिन बना देगा दोस्तों। इस तरीके का अगर आपको किसी प्रॉपर्टी से व्यू मिल जाएगा, कोई ब्लॉकेज नहीं, सनलाइट आप इंजॉय कर सकते हो, लाइट वेंटिलेशन देख सकते हो, काफ़ी मेगा बालकनीज मिल जा रही है दोस्तों इस प्रॉपर्टीज़ में। सबसे बड़ा हाइलाइटेड स्पॉट इस प्रॉपर्टीज़ का देखिए आप, मेगा बालकनी सेक्शन दोस्तों, मेगा बालकनी सेक्शन इन प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को मिल जा रहा है। अब मैत्री आइकॉन दोस्तों, डोंबिवली ईस्ट अपोजिट निलजे रेलवे स्टेशन, काफ़ी बड़ी बालकनी मिल जा रही है दोस्तों। वॉक अराउंड देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ 1 BHK का ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। 1 BHK में भी यहाँ पे आपको कई सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, सो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा वेरिएंट 450 का वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है 1 BHK में। इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है 1 BHK की। स्मार्ट सेक्शंस प्रॉपर्टी में दिए जा चुके हैं आप लोगों को, ह्यूज लिविंग रूम मिल जाता है, मेगा किचन मिल जाता है, बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है, बालकनीज सबसे बड़ा हाइलाइटेड स्पॉट्स इन प्रॉपर्टीज़ में, इस तरीके की मेगा बालकनीज मिल जाती है दोस्तों, क्या कहने। देखिए काफ़ी अच्छी बड़ी बालकनी मिल जाती है आप लोगों को यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरी तरीके से ह्यूज बालकनी है, काफ़ी बड़ा सेक्शन है बालकनी में आप लोगों को, जो आपके तरीके से यूज़ कर सकते हो। इंटरकनेक्टेड बालकनीज हैं, सो ये अनदर एडवांटेज हो गया। लाइट कंडीशन भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वेरी नाइस प्रॉपर्टी दोस्तों। बालकनी जिन कस्टमर का प्रेफरेंस है उन लोगों के लिए यह प्रॉपर्टीज हेवन का काम करेगी और इस तरीके का व्यू आप लोगों को ऑफर करेगी। काफ़ी हद तक आप लोगों को अराउंड 99% ओपन व्यू मिल जाता है दोस्तों। अपोजिट निलजे रेलवे स्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर में जब ये निलजे स्टेशन और डेवलप हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी के रेट्स एक हाइट्स पे चले जाएंगे, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी की लोकेशन अपोजिट निलजे रेलवे स्टेशन या कोई भी रेलवे स्टेशन जैसे KDMC बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया मिलती है, तो रेट्स हाइट्स पे चले जाते हैं। ये अनदर एक आप लोगों को 2 BHK दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके के कुछ अनदर 2 BHK यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कई सारे वेरिएंट्स 1 BHK के हैं, तो कई सारे वेरिएंट 2 BHK के भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जा रहे हैं। इस तरीके के मेगा किचन सेक्शन, मेगा पैसेजेस, मेगा लिविंग रूम आप लोगों को मिल जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिल्डर ने काफ़ी प्रीमियम तौर पर इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों के लिए ऑफ़र किया है और दिल खोल के कारपेट एरिया आप लोगों के साथ शेयर किया है और उसी के साथ में आप लोगों को लाइक अ हेवन बालकनीज यहाँ पे ऑफर की गई है। और लोकेशन गॉड क्या कहने, लोकेशन निलजे रेलवे स्टेशन, जी हाँ दोस्तों अपोजिट बाय निलजे रेलवे स्टेशन, डोंबिवली ईस्ट। इस तरीके का कुछ ओपन व्यू आप इंजॉय कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज से, वेरी नाइस प्रॉपर्टीज दोस्तों। देखिए किस तरीके का व्यू आप लोगों को मिल जा रहा है, पूरी तरीके से ओपन व्यू आप लोगों को मिल जा रहा है। मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे एग्जांपल 1 BHK का कारपेट क्या मिल जाएगा या 2 BHK का कारपेट क्या मिल जाएगा। 1 BHK का अराउंड 450 का कारपेट मिल जा रहा है और 2 BHK का अराउंड 750 का कारपेट आप लोगों को मिल जा रहा है और कई सारे अनदर वेरिएंट भी इन लोगों ने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए हैं इस लोकेशन में। दोस्तों यह लोकेशन है विष्णु बिल्डर, जी हाँ दोस्तों विष्णु बिल्डर और मैत्री आइकॉन प्रोजेक्ट है दोस्तों ये डोंबिवली ईस्ट में अपोजिट बाय निलजे रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छी प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छे लोकेशन में आप लोगों के लिए ऑफर की जा रही है। दोस्तों साइट विजिट बिल्कुल फ्री है, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल घुमाइए, आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ को लेके साइट विजिट में डेफिनेटली बुक करा के दूंगा और बिल्डिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।